गोविंदगढ़ में मोती कुंज की धर्मशाला में मानव सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। हरिशंकर रावत के द्वारा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया गया। ग्रामवासियों के द्वारा हरिशंकर रावत का माला एवं शाल उड़ाकर स्वागत किया गया। शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई तो वहीं 2 बजे काफी संख्या में भीड़ जमा रही। शिविर प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में 300 नेत्र रोगियों का इलाज कर उनको निःशुल्क दवा और चश्मे वितरित किए गए। मानव सेवा समिति जिससे जिन लोगों ने हमें यहाँ पर एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया है और इस कैंप में हमने करीब 300 मरीज देखे हैं, जिसमें मोतियाबिंद के करीब नहीं तो 70-80% पेशेंट निकले हैं जिनको हमने सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, सारी मेडिसिंस दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मेडिसिंस दिया, यहाँ पर हम लोगों ने लोगों के चश्मे अवेलेबल कराए। तो ये कैंप किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है टीम का भी यहाँ पर, और लोगों को बहुत ज़रूरत भी है यहाँ पर। बहुत नीडी पर्सन लोग आए थे यहाँ पर जिनको कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, लोग अपना इलाज कराने के लिए इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। हम लोगों ने किया, हमें ये काम करके बड़ा अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि सब लोगों का काफ़ी सहयोग रहा इसमें, हमारी टीम का भी, मतलब सब लोगों ने बड़े मन से काम किया यहाँ पर। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये शिविर मुख्य इसमें सहयोग करता माता वैष्णो देवी ट्रस्ट सिटी हॉस्पिटल अलवर वाले, जो कि दवाई चश्मे बस वगैरह जो भी व्यवस्था सारी वो करते हैं। यहाँ की व्यवस्था मानव सेवा समिति इनकी जो भी ऐड का काम है और मरीजों का ये सब देख, यहाँ के जो व्यवस्था है सारी काम ये करते हैं। करीब 300 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन का 300 मरीजों देखे गए हैं यहाँ पर, जिनमें करीब 65-70 मरीज ऑपरेशन के लिए गुड़गांव ले जाए जा रहे हैं।